नमस्कार इंडिया वॉइस पर स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे टॉप 25 की। सीएम केजरीवाल को ईडी का चौथा समन, शराब घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया गया। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर इंडिया गठबंधन की अहम बैठक, आज सीट बंटवारे और संयोजक के नाम पर चर्चा की उम्मीद। यूपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला हुआ तैयार, सपा को 50-52 तो कांग्रेस की झोली में आ सकती हैं 18-20 सीटें। आप और कांग्रेस की बैठक में अच्छी रही केमिस्ट्री, लेकिन सीट शेयरिंग को लेकर बरकरार है मिस्ट्री। अटल सेतु के निर्माण को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इस सेतु के निर्माण में अब मुंबई और रायगढ़ की दूरी सिमट चुकी है। असम के उत्तरी कछार हिल्स स्वायत्त परिषद चुनाव में बीजेपी की हुई बड़ी जीत, पीएम मोदी ने बताया लोगों का आभार। असम के एनसीएससी के चुनाव में बीजेपी ने एक बार फिर से बड़ी जीत दर्ज की, बीजेपी ने 30 में से 25 सीटें हासिल की। बीजेपी में 40% सांसदों को टिकट पर लटकी तलवार, पार्टी के कड़े मापदंड पर खड़ा उतरना होगा मुश्किल। पश्चिम बंगाल की ममता कैबिनेट में राज्य में आम पंचायत और पंचायत समितियों में 6000 से ज्यादा अधिक नियुक्तियों को दी मंजूरी, जिसके बाद विपक्ष ने ममता बनर्जी पर लगाया लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक स्टंट का आरोप। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की घोषणा के बाद बढ़ी रामचरितमानस की मांग, इस साल 1,00,000 प्रतियां प्रकाशित की गई और अभी कोई स्टॉक नहीं बचा। लालकृष्ण आडवाणी ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले दिया बड़ा बयान, कहा मोदी को भगवान राम ने चुना, वो सिर्फ सारथी मात्र। योद्धा राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण पर एनसीपी सांसद सुप्रिया सुले का बड़ा बयान, कहा किसी भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा या चर्च में जाने के लिए किसी की भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, मुझे निमंत्रण की आवश्यकता नहीं। गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल के तहत दिल्ली पुलिस के ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की, सुरक्षा को लेकर सभी जगहों पर तैनात किए गए पुलिस बल। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी के लिए गणतंत्र दिवस परेड की रिहर्सल जारी, कई कार्यक्रमों का होगा आयोजन। पुंछ में आतंकियों ने फिर की कायराना हरकत, जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर किया हमला। 24 घंटे में देश में कोरोना के 609 मामले आए सामने, 3 लोगों की हुई मौत। कड़ाके की ठंड जारी, घने कोहरे से सड़क और रेल यातायात हुआ प्रभावित। समुद्री लुटेरों के मंसूबे होंगे नाकाम, भारत के 10 युद्धपोत मुस्तैद। इसराइल हमास जंग का खुला नया फ्रंट, अमेरिकी बमबारी में 5 हुतियों की मौत, वहीं 6 लोग हुए घायल। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने प्रतिद्वंदी पर लगाया आरोप, कहा मैं निर्दोष हूं, मेरे प्रतिद्वंदी मुझे सता रहे।